अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जुनेद जमशेद और आज हम कराची के कुंवरवाड़े में मौजूद हैं। आइए देखते हैं किस स्टाइल के पॉट बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? मोहम्मद असलम। तो ये बताएं आप क्या क्या बनाते हैं? गुलदान वगैरह वगैरह, गमले और इस टाइप के दीगर जो होते हैं पीस वगैरह, घरेलू शो पीस वगैरह रखने के लिए जो होते हैं वो वगैरह हम लोग बनाते हैं। अगर आपको ऑर्डर दिया जाए तो कितने अरसे में बना देते हैं? लिमिट होती है हर काम की, जितने पीस होते हैं क्वांटिटी होती है उस हिसाब से ही होता है। जैसे 100 पीस हो गए तो उस हिसाब से हम लोग एक हफ्ता दे देते हैं, 15 दिन दे देते हैं, ऐसे हिसाब से होता है हर काम। इससे ज़्यादा टाइम लगता है इसी में कंप्लीट कर देते हैं? नहीं, इंशाल्लाह हो, हमारी तो कोशिश होती है कि इसमें ही हो जाए, फिर भी कोई मुश्किल आ जाती हैं कभी कभार बीच में। और अगर दूसरे डिज़ाइन के पॉट्स जैसे गुलदान वगैरह बनाने हो तो उसमें कितना टाइम लेते हैं? वो पीस के ऊपर होता है, हर पीस का एक टाइम होता है। जैसे ये गुलदान होता है तो उसके अंदर भी यही टाइम होता है, तकरीबन एक हफ्ते के अंदर या 15 दिन के अंदर दे ही देते हैं हम लोग। तो मोहम्मद असलम साहब, आप कोई अच्छा पॉट बना के दिखाएं। बिल्कुल, बना के दिखाते हैं आपको, बहुत अच्छा दिखा। तो असलम साहब, आपको एक गोल सा खूबसूरत सा पॉट बनाए। बिल्कुल, अभी बनाते हैं। तो असलम साहब, ये बताएं जो पॉट लेके जाते हैं उनकी मिट्टी झड़ जाती है, उसकी क्या वजह होती है? इसकी ज़्यादातर वजूहत तो ये होती है कि हम लोग नमी वाली जो ज़मीन होती है, नमी वाली, उस पर रख देते हैं। इसकी वजह नहीं होती कि ये इसमें कोई फॉल्ट होता है, वो फॉल्ट होता है ज़मीन का जिस जगह पर हम लोग रखते हैं। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं खारे पानी में बना देते हैं इस वजह से। नहीं नहीं, ये खारे पानी में बना चाहे किसी भी चीज़ में बना, अगर ये भट्टी के अंदर जाता है, जलता है ना, तो खारा पानी और हर चीज़ जो है ना एक ही हो जाती है, सिर्फ मिट्टी बचती है, बाकी खारा पानी जल जाता है उसके अंदर। तो ये बताएं, ये जो एक पॉट होता है इसकी लाइफ क्या होती है, ये कितने अरसे तक पानी धूप वगैरह बर्दाश्त कर लेता है? कम से कम 1 से 2 साल तक तो इसकी लिमिट होती है। अगर इससे भी ज़्यादा अगर बचाना चाहे तो धूप और पानी कम दें। अक्सर लोग और पानी दे देते हैं इसको, पीस को, तो इस वजह से भी जो है ना पीस ख़राब हो जाता है, उसको नमी आ जाती है, नमी पकड़ लेती है। और ज़मीन से इसको दूर रखा जाए तो और अच्छा है, क्योंकि ना ज़मीन इस पीस को ख़राब करती है, पीस कभी ख़राब खुद नहीं होता है। तो असलम साहब, ये बताएं आप कितने साल से काम कर रहे हैं? वैसे तो मेरी पूरी लाइफ ही इसके अंदर निकल गई है। अगर इस काम को सीखे होने की बात करो तो तकरीबन, नहीं तो मेरे को
8 से 12 साल हो गए हैं तकरीबन, मैं यही काम कर रहा हूँ। जिस काम के फील्ड के आया हूँ, सीखा हूँ मैं ये काम, तकरीबन 12 साल हो गए मेरे को। तो आप क्या समझते हैं, अभी आप बेहतर करते हैं? नहीं, ये तो काम इतना है कि समुंदर है, समझ लो जितना जाओ उतना गहरा है। नहीं, डिज़ाइनिंग पॉट वगैरह भी बनाते हैं आप? हर टाइप के बना लेते हैं हम लोग, कोई सिंपल के ऊपर होता है, जो हमारे को सिंपल दे दिया जाता है तो हमारी तो कोशिश होती है उसके जैसा बनाने की, फिर भी 19-20 तो हो ही जाता है हर काम के अंदर, ये हाथ का काम है। तो मोहम्मद असम साहब, अगर कोई गोल पॉट बनाना चाहे खूबसूरत सा, तो आप किस तरीके से बनाएंगे? जिस तरीके से दूसरे बनते हैं उससे थोड़ा मुख्तलिफ तरीका होता है। तो आप बना के दिखा सकते हो हमें? बिल्कुल बना के दिखाते हैं। बना के दिखाएंगे। तो असलम साहब, कोई बॉल टाइप का गमला बना है? बिल्कुल बना के दिखा दें आप। मोहम्मद असलम साहब, ये बताइएगा कि ये क्ले के पॉट अच्छे रहते हैं पौधों के लिए या प्लास्टिक के? अच्छे तो सिर्फ क्ले के ही रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर इसकी जड़ें फैलती हैं, ये टूट जाता है, वो पौधा इसके अंदर फैलता है, उसके अंदर कभी फैलता नहीं है, क्योंकि वो अपनी जगह ही नहीं छोड़ता है, ये अपनी जगह छोड़ सकता है, इस वजह से उसके अंदर पौधे सूख जाते हैं, इसमें नहीं सूखते। तो आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे, प्लास्टिक के पॉट में लगाने चाहिए प्लांट्स या इसमें लगाने चाहिए क्ले पॉट्स में? मेरे ख्याल से तो क्ले पॉट्स में ही लगाने चाहिए, क्योंकि सबसे बेहतर यही है, जिसके अंदर फ़ायदा हो आपके आपके प्लांट्स जो हैं, जो वो महफूज रहें, वो आपके लिए बेहतर है। मोहम्मद असम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी।